श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों, अगर आप लोग भी भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, शिव जी के भक्त हैं, तो दोस्तों यह बात आप लोग भी जानते हैं कि सोमवार का दिन होता है भोले बाबा का। तो अगर हम सोमवार के दिन कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि भोले बाबा को प्रसन्न करने वाला होता है, तो उससे निश्चित ही हमें उसका बहुत बड़ा फल मिलता है और उससे हमारे जो भोले बाबा हैं, शिव जी हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, शिव जी को आपको सोमवार के दिन कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो कि निश्चित ही होते हैं, उनको करने के लिए आपको कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, सबसे पहली बात, सोमवार के दिन आपको शिव जी की जो शिवलिंग होती है, शिव मंदिर में जाकर वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर आपको दूध और जल से अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। बेलपत्र हमेशा अपने साथ लेकर ज़रूर जाइए कीजिए, क्योंकि बेलपत्र शिव जी को अति प्रिय है। ठीक है, तो शिव जी को आप लोगों को दूध और जल से अभिषेक ज़रूर करना है सोमवार के दिन, और बेलपत्र चढ़ा देना है। इससे जो है आपकी सभी दुख कष्ट जो है ना, वो शिव जी हर लेंगे, वो शिव जी दूर कर देंगे और शिव जी आपसे प्रसन्न ज़रूर होते हैं। और सोमवार के दिन जब आप ये उपाय करेंगे, ये उपाय नहीं है, ये निश्चित ही बात है कि आपको सोमवार के दिन जो है, अगर आप हर दिन शिव जी का अभिषेक नहीं कर सकते हैं दूध और जल से, तो सोमवार को तो आपको करना ही चाहिए, जिससे कि आपको पूरे दिनों का भी आराम से फल मिल जाता है। और बेलपत्र हमेशा अपने साथ लेकर जाइएगा और चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को सोमवार के दिन जो है एक शिव चालीसा होता है, तो शिव चालीसा का भी आप लोगों को सुबह शाम, सोमवार के दिन सुबह भी आपको शिव चालीसा का पाठ करना है, शाम को भी आपको शिव चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को जो महामृत्युंजय मंत्र होता है, ये बहुत ही बड़ा मंत्र है जो कि शिव जी का मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का जाप सोमवार के दिन करते हैं, तो इससे निश्चित ही आपको बहुत बड़ा फल देखने को मिलता है। आपके ऊपर आई हुई बड़ी से बड़ी समस्या जो है, वो इससे दूर भाग जाती है। तो इसलिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का भी सोमवार के दिन सुबह और शाम जाप करना चाहिए। दोस्तों, हम लोग हफ्ते के हर दिन जो है ये काम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग सोमवार के दिन भोले बाबा के दिन को जो है ज़्यादा स्पेशल बनाकर उनके लिए समर्पित कर सकते हैं। तो ये काम आप ज़रूर किया कीजिए। और सोमवार के दिन कभी आपको, मतलब आपकी किसी को ज़रूरत हो, आप किसी की मदद कर सको, तो वो ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, इससे भी जो है भोले बाबा देखते हैं कि आप जो है किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो इससे भी वो प्रसन्न ज़रूर होते हैं। तो हमने आपको जो जो बातें बताई हैं, इन पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों, सोमवार के दिन माला ज़रूर कीजिएगा, मतलब आपके घर में जो रुद्राक्ष की माला होती होगी, आपको वो माला लेकर ही महामृत्युंजय का मंत्र करना है, और अलग से भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो है एक जाप अलग से भी करना है। ठीक है, माला लेके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत बड़ा मंत्र है, कुछ नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं कर सकते, बस एक नाम बोल दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपके सभी काम सभी उपाय इस एक मंत्र के अंदर आ जाएंगे। तो इस मंत्र को तो भूल कर भी मत भूलना, सोमवार के दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप ज़रूर करना, अवश्य करना। तो भ्यम